हमारे बिहार को तरक्की दे और थोड़ा यूथ के लिए सोचे सरकार होनी चाहिए जो प्रत्येक महिला के आत्मसम्मान की रक्षा कर सके, विकास को ध्यान में रखते हुए अपना पोल करते हैं। सिर्फ लड़कियों और महिलाओं की मतलब हर एक लोग से सच में निवेदन करना चाहूंगी कि सबको अपना योगदान देना चाहिए। सबकी सरकार बने जो हम लोग की हिफाजत करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि बिहार के 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर सख्त सुरक्षा के बीच चुनाव करवाई जा रही है। इस बीच जमुई में भी पहले चरण का मतदान जारी है, वहां के जनता ने वोट दे दिया है। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जमुई, जहां हमारे संवाददाता हर्ष हैं जो लोगों से जुड़ चुके हैं और जानेंगे कि इस बार जनता ने किन किन मुद्दों पर वोट दिया है। 2010 में वोटों का कुल प्रतिशत बिहार में 52% था। 2015 में विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई थी। और इस बार झाझा विधानसभा की अगर बात करें जमुई ज़िले की, तो वहां पर वोटों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस बार केंद्रीय विद्यालय में, इस वक्त हम लाइव आपको बता दें कि यहाँ पर वोटों में लगभग 400 से 500 लोगों का कुल नाम है, मतदाताओं की सूची में नाम है उनका, लेकिन अब तक कुल 24 लोगों का यहां पर मतदान हुआ है मात्र। हालांकि लोग जागरूक है लेकिन शायद किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनका मतदाता सूची में नाम है। नेशन न्यूज, कुमार हर्ष, जमुई। अच्छा लग रहा है, अपना वोटिंग देंगे अपना के लिए और जो हमारे बिहार को तरक्की दे और थोड़ा यूथ के लिए सोचे। और क्या झाझा की विधायक कैसा देख रही हैं आप, क्योंकि हम लोग झाझा विधानसभा में हैं, चिराग पासवान को देख रहे हैं। ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हर कुछ में सबसे आगे रहे और जात पात को भुला के विकास की राह पे अच्छी तरह से चले। बताइए कैसी सरकार चाहिए आपको, कैसा विधायक चाहिए झाझा का? झाझा के विधायक अच्छे, सुशील और हमारे क्षेत्र के विकास करने वाले, जनता के जो मूलभूत सुविधा है उसको अब हमारे जो विधायक है जो अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जो अच्छी तरह से झाझा को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, जो प्रत्येक महिला के आत्मसम्मान की रक्षा कर सके और ऐसी सरकार होनी चाहिए। झाझा के विधायक में क्या देखना चाहती हैं आप? जो महिलाएं, ऐसी विधायक होने चाहिए कि महिलाएं जो आज बाहर निकली हैं, घर से बाहर निकल के आज नौकरी कर रही है, आज भी आगे भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो रात को भी बाहर निकल के काम कर सके। सुरक्षा की गारंटी चाहती हैं आप? लोग जागरूक हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं मतदान करने के लिए, जैसे अभी तो समय ही हुआ है, लोग नहा धो के ही अपना मतदान करने आते हैं, अपना नित्य क्रिया करके अपने मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो पोलिंग होगा, उम्मीद है 60 से 70% पोलिंग होता है हर साल, हर बार, हर चुनाव में 60 से 70%। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, लोग विकास को ध्यान में रखते हुए अपना पोल करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, वोट देने से आदेश में बहुत एक्साइटमेंट था कि पहली बार अपना रोल निभाने जा रहे, कि मतलब कुछ तो कर रहे हैं एटलीस्ट देश के लिए। जी जी, राज्य निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए। हाँ बिल्कुल। महिलाओं से, लड़कियों से क्या अपील करना चाहेंगे जी आप? सिर्फ लड़कियों और महिलाओं की मतलब हर एक लोग से सच में निवेदन करना चाहूंगी कि सबको अपना योगदान देना चाहिए। सब लोग को, सबका हक है एक्चुअली, सबका अधिकार है कि सबको वोट देना चाहिए और राज्य निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। इट्स बेटर यही कि एक अच्छी सरकार बने जो हम लोग की हिफाजत करे। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? और महिलाओं का मान सम्मान जो कर सके। जी मैं कुछ मतदान में, बहुत जगह बूथ पर मतदान का थोड़ा सा प्रतिशत कम है, कुछ प्रॉब्लम भी खड़ा कर रहा है, जनता के विरोध में लहर है तो कुछ डिस्टर्ब तो करेगा ही, परेशानी।